नमस्कार, मैं हूं अंजलि और स्वागत करती हूं आपका हमारा विशेष कार्यक्रम में। आगरा में चल रही इनकम टैक्स की रेड में पहुंचे आयकर अधिकारियों के होश उस समय उड़ गए जब उन्होंने शहर के जूता कारोबारी के घर से करोड़ों रुपए का कैश देखा। यह कैश इतना था कि इसको गिनने के लिए बैंक कर्मचारी नोट गिनने की मशीन के साथ बुलाए गए। इस छापेमार कार्रवाई ने कई ऐसे सवाल अपने पीछे छोड़े हैं जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह रकम है ही इतनी बड़ी। तो आज विशेष में बात करेंगे आगरा में पड़ी इसी इनकम टैक्स रेड की, सबूत की और सुरागों की। आयकर विभाग के अधिकारियों की आंखें उस वक्त खुली की खुली रह गई जब छापेमार कार्रवाई के दौरान हर मिलाप शू फर्म से 40 करोड़ से ज्यादा की नकदी बेड के अंदर दिखाई दी। विभाग ने शहर के 3 नामचीन हर मिलाप ट्रेडर्स, बीके शूज, मंशु फुटवेयर पर छापा मारा। विभाग के 80 से अधिक अधिकारी कर्मचारी पुलिस छापेमारी में शामिल हैं। विभाग को तीनों फर्मों से 100 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिलने की उम्मीद है। मैं इस वक्त आलोक नगर जयपुर हाउस में हूं और जहां पर रेट पड़ी है इनकम टैक्स की वो आपको दिखाता हूं। तस्वीर ये आप देख रहे हैं, ये इनकम टैक्स की ही गाड़ी जो जा रही है आप देख रहे हैं यहां पर, और कई करोड़ रुपए की रिकवरी यहां से हुई है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही मकान है, ये वही घर है आप देख रहे हैं, जो डंक्स बी इधर दिखाएंगे, डंक्स बी 12 यहाँ पर लिखा हुआ जो एड्रेस है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी दिखाते हैं कि जो 40 करोड़ रुपए के लगभग मिला है, ये हर मिलाप देखें आप, जय श्री हर मिलाप जी वहाँ पर लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है। ये एक पॉश कॉलोनी है जहाँ पर इनकम टैक्स को इंटेलिजेंस के माध्यम से रिपोर्ट मिली थी कि कुछ पैसे जो है आए हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे, चूँकि आगरा में सबसे बड़ी रकम इस तरह से बरामद की गई है। यहाँ पर ये तस्वीर है, इसके अंदर अभी भी जो जारी है अभी भी, यानी कि रेट जारी है और ये उम्मीद की जा रही है कि ये कल तक चल सकती है, यानी कि एक दिन बाद भी ये रेट जो है जारी रह सकती है। थोड़ा सा अंदर दिखाएं जरा, थोड़ा सा अंदर की तरफ लें जरा, आप देखें जरा अंदर, ये देखिए आप जो है यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से आप इसके अंदर से देख रहे हैं, तो कुछ तस्वीरें सामने की तरफ आ रही हैं जिसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वही हर मिलाप का मकान है जहाँ पर जो है कई करोड़ रुपए की रकम मिली है। तो इसके अलावा और भी कई जगहों पर जो है आयकर विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है और इसमें अभी और भी ज़्यादा और रुपये मिलने की संभावना नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन अतुल साध, विनोद जूनियर, सीन जागरा। कल दोपहर से चल रही आयकर विभाग की छापेमारी अभी भी जारी है। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन सेल कई ठिकानों पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। समय के साथ आयकर विभाग के छापे का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। कल शाम से शुरू हुई इनकम टैक्स की रेड अभी भी जारी है। समय के साथ साथ नोटों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। कल देर रात तक 30 करोड़ रुपए की रकम बरामद की गई थी, लेकिन यह रकम बढ़कर सुबह 60 करोड़ के आसपास पहुंच गई। इनकम टैक्स की रेट का दायरा भी अब बढ़ता ही जा रहा है। इनकम टैक्स के अधिकारी नोटों की गिनती में अभी भी जुटे हुए हैं। इसमें बैंक कर्मचारियों की भी मदद ली जा रही है। आप मेरे पीछे जो मकान देख रहे हैं हर मिलाप शूज का है, जहां पर इनकम टैक्स के अधिकारी अभी भी नोटों की गिनती कर रहे हैं। 60 करोड़ के आसपास ये गिनती पहुंच चुकी है। हम आपको बता दें, इस गिनती में कई बार नोट गिनने की मशीनें भी जवाब दे गई, जिसके बाद इनकम टैक्स के अधिकारियों ने बैंक कर्मचारियों की मदद ली। लेकिन मामला इतना छोटा नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये इनकम टैक्स की रेड अभी भी जारी है और उम्मीद की जा रही है कि शाम तक नोटों का यह आंकड़ा भी बढ़ सकता है। अपने साथी विनोद जूनियर के साथ अंकुर कुमारिया, सी न्यूज आगरा।
आगरा में पड़ी इनकम टैक्स रेड के पीछे पर्ची कारोबार की खुशबू आयकर अधिकारियों को शायद यहां तक खींच लाई। आगरा में तीन जूता कारोबारियों के यहां पड़ी आयकर का यह छापा आगरा में फैले पर्ची कारोबार की ओर इशारा करता है। हम आपको बता दें कि आखिर यह पर्ची कारोबार क्या होता है। दरअसल इस कारोबार को समझना होगा। आगरा में जूता कारोबार पर्ची के विश्वास पर टिका है। यहां उधारी की रकम पर्ची द्वारा वसूली जाती है और यह कारोबार इस छापे की वजह भी नजर आता है। दरअसल उधारी की रकम इस पर्ची को दिए गए समय पर पर्ची देकर कोई भी कैश करा सकता है। हालांकि यह कारोबार पूरी तरह अवैध है, लेकिन इस कारोबार में कुछ लोग गलत फायदा भी उठा रहे हैं। समय से पहले पर्ची देकर 10% की रकम काट कर कैश दिया जाता है और बाकी की रकम पर्ची पर दी गई डेट पर पर्ची देने वाले व्यापारी से वसूली जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग इसे अपना कारोबार बना बैठे हैं। वह व्यापारी से पर्ची लेकर पर्ची पर दी गई रकम का 10% काट कर व्यापारी को पैसा मुहैया करा देते हैं और पर्ची पर दी गई डेट पर वह कारोबारी से पूरी रकम वसूल लेते हैं। आगरा में पड़ी इनकम टैक्स की रेट इस पर्ची कारोबारी की ओर भी इशारा करती है। अंकुर कुमारिया, सी न्यूज, आगरा। आगरा में 24 घंटे से ज्यादा देर से चल रही इनकम टैक्स की रेड में हर घड़ी टैक्स चोरी की नई परतें खुल रही हैं। तो हम आपको बताते हैं इस रेड की सिलसिलेवार कहानी। आगरा में तीन जूता कारोबारियों के यहाँ इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा। एक कारोबारी के घर से 60 करोड़ रुपए के नोट बरामद हुए हैं। ये नोट बेड, गद्दों और अलमारी में छिपा कर रखे थे। इसकी तस्वीर भी सामने आई है। इसमें दिख रहा है कि बेड पर नोटों की गड्डियां रखी हैं, जमीन पर रखे बैग भी नोटों से भरे हैं। इनकम टैक्स की टीम हर मिलाप ट्रेडर्स के मालिक रामनाथ डंग के घर और ऑफिस पहुंची, सर्च किया तो उनके घर में बेड और गद्दों में नोट के बंडल मिले। भारी भरकम कैश देखकर अफसरों ने नोट गिनने के लिए बैंक से 10 मशीनें मंगाई। शनिवार शाम से अभी तक कार्यवाही जारी है। माना जा रहा है कि कैश का आंकड़ा और बढ़ सकता है। मतलब आप लोग किस लिए आए? मशीन आप कहां से आए हैं? स्टेट बैंक से आए। तो किस लिए बनाया गया? ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया। रेड है पे मतलब कोई नोट गिनने के लिए और कुछ ज्यादा लोग लगेंगे SBI से? आप क्या नोट गिन के आए हैं? अरे नहीं, अरे छोड़ो, आप ऐसी बात करो ना ऑफिसर। अच्छा, अब आप तो क्या बहुत कौन लगते हैं इनके ढंग साहब के? पड़ोसी हूं मैं, ऐसे ही मिलने आ गया बस। आपको अंदर जाने दिया? अंदर ही दिया। क्या चल रहा है अंदर? क्या चल रहा है? अभी काउंटिंग चल रही है। कितनी ये नहीं, कुछ नहीं पता, ये किसी ऑथराइज से पूछना। कितनी काउंटिंग पहुंच चुकी है? नहीं पता भैया, अभी काउंटिंग चल रही है। अंदर अभी गिनती चल रही है क्या? कितनी गिनती पहुंच चुकी है? सॉरी। अच्छा वैसे कितनी? सॉरी। कितने लोग थे अंदर? टैक्स चोरी का इनपुट मिलने के बाद आयकर की टीमों ने शनिवार को आगरा में तीन कारोबारियों के घर और ऑफिस यानी 6 ठिकानों पर छापेमारी की। टीमें MG रोड के BK शूज, धाकरान के मंशु फुटवेयर और हींग की मंडी के हर मिलाप ट्रेडर्स के मालिक के दफ्तर और घर पर एक साथ छापा मारने पहुंची। आयकर टीम को BK शूज और मंशु फुटवेयर के यहाँ कितना कैश मिला, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आ पाई है। मंशु फुटवेयर और BK शूज के मालिक आपस में रिश्तेदार हैं और कुछ ही सालों में यह दोनों बाजार में बड़ा नाम बन गए। वहीं कारोबारियों के पास से जमीन में भारी निवेश, सोने की खरीद की जानकारी भी मिली है। आगरा में इनर रिंग रोड के पास कारोबारियों ने बड़ा निवेश किया है।
अफसरों ने तीनों जूता कारोबारियों के प्रतिष्ठानों से लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल जब्त कर लिए हैं। उनसे डेटा लिया गया है, रसीदें और बिल के साथ। स्टॉक रजिस्टर की जांच में कई हैरान करने वाली जानकारियां मिली है। एक प्रतिष्ठान के संचालक ने अपने आईफोन का लॉक नहीं खोला। आईटी टीम ने लॉक तोड़ने के लिए एक्सपर्ट से संपर्क किया है। हरमिला ट्रेडर्स के मालिक रामनाथ डंग का घर प्रभु नगर इलाके के जयपुर हाउस में है। वो आर्टिफिशियल लेदर का कारोबार करते हैं। सूत्रों के मुताबिक उनके घर से नोटों की बड़ी खेप मिली है। 500-500 के नोटों की गड्डियां अलमारी, बेड और गद्दों में भरी थी। नोटों को गिनते गिनते अधिकारी थक गए। रात में टीम ने आराम करने के लिए बाहर से गद्दे मंगाए। तीनों कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग के 30 से ज्यादा अफसर और कर्मचारी जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आयकर टीम में आगरा के अलावा कानपुर और लखनऊ के अफसर भी शामिल किए गए हैं। बता दें कि तीनों कारोबारियों ने बहुत ही तेजी से मार्केट में अपना बिजनेस बढ़ाया। आयकर विभाग को इनके यहाँ टैक्स चोरी के इनपुट लगातार मिल रहे थे और टीम ने जांच शुरू की। शुरुआती जांच में इनपुट सही पाए गए, इसके बाद रेड डाली गई। आयकर टीम ने सभी कारोबारी के परिवार के सदस्यों के मोबाइल जब्त कर लिए हैं। रविवार को सुबह डंग के यहाँ पार्सल लेकर कोरियर वाला पहुँचा। उसने कॉल किया तो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ था। करीब 10 मिनट तक गेट खटखटाने के बाद पुलिस वालों ने परिवार की एक महिला को बुलाया। उन्होंने कोरियर वाले को वापस कर दिया, कहा कि ओटीपी नहीं बता पाएंगे, हमारे फोन अंदर टीम के पास है। अच्छा अंकुर, यहाँ पर इतने समय से कल रात से लगभग सूचना प्राप्त हुई है कि इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है, तो क्या है पूरा ये मैटर, सिलसिलेवार तरीके से बताइए। देखिए, इनकम टैक्स के ऑफिसर्स के पास ये सटीक सूचना थी कि आगरा के तीन कारोबारियों के पास बहुत सारा काला धन छुपा हुआ है। इसी उस पर इंफॉर्मेशन पर ये रेड डाली गई। बहुत ही सटीक सूचना थी। और जब कारोबारी इस कोठी पे आए, ये जयपुर हाउस का 12B है, इस कोठी पर जब आए तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सबसे पहले वो इसके शोरूम पहुँचे, तीनों जो संस्थान के उनके शोरूम पे पहुँचे और उसके बाद जो है घरों को निशाना बनाया गया। हालांकि अधिकारी यहाँ पर पहले से मौजूद थे और उसके बाद जब सर्च की गई तो बहुत सारे चौंकाने वाले अंजलि तत्व सामने आए। अंकुर, यहाँ पर जो ऐसा कहीं सूचना प्राप्त हो रही है कि कई लोग हैं यहाँ पर, कई जो बड़े कारोबारी हैं आगरा के, इस रडार पर हैं, इनकम टैक्स जो आईटी सेल है उसकी रडार पर है। कौन कौन से है वो अधिकारी, कौन कौन से कारोबारी हैं? देखिए, मैं वहीं आ रहा था। जब अधिकारी यहाँ पर पहुँचे तो कई सुराग अधिकारियों को ऐसे मिले कि बैग देखकर, कपड़े वाले जो बैग होते हैं उनके अंदर नोटों की गड्डी भरी हुई थी। जब इनकम टैक्स के अधिकारियों ने ये देखा तो उनके होश उड़ गए ये देखकर कि इतनी बड़ी तादाद में नोट मिले हैं। तो रात में ही उसको गिनने की गिनती शुरू हुई और जिसके लिए बैंक कर्मचारियों को बुलाया गया और नोटों की मशीन मंगवाई गई, जिसके बाद अभी तक जो हमारे पास अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, तो अंजलि वो नोटों की गिनती जो है अभी तक जारी है और वो लगभग 60 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो ये बहुत बड़ा मामला उजागर हुआ है और सबको चौंकाने वाला है। कौन कौन से वो कारोबारी हैं जो हाईलाइटेड, कहीं कहीं मतलब बड़े कारोबारी आगरा के इसमें शामिल बताए जा रहे हैं और आईटी सेल की वो रडार पर हैं, तो उनका नाम हम जान सकते हैं उनको? देखिए, नाम लेना भी ठीक नहीं होगा, लेकिन उनकी जो कंपनी है, बीके शूज़ हैं, मंसू फुटवेयर है और एक और कंपनी है हरविलास जी उसकी है। तो अधिकारी की लगभग 80 अधिकारी इस समय अंदर मौजूद हैं, कई जगह पर मौजूद हैं और सर्च चल रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, जितनी भी गाड़ियाँ जो हैं इनकम टैक्स अधिकारियों की हैं। और ये देखिए, ये आगरा की गाड़ी है, कई गाड़ियाँ कानपुर की हैं यहाँ पर, और बहुत बड़ी तादाद में अधिकारी जो है सर्च कर रहे हैं लगातार, और लगातार सर्च जारी है। 24 घंटे से भी ज़्यादा का समय गुजर चुका है और बहुत बड़ी तादाद में जो है वो आंकड़ा नोटों का सामने आ चुका है अभी तक। अंजलि,
अंकुर, मैं ये जानना चाहूँगी कि यहाँ पर सूचना जिस तरीके से प्राप्त हुई आईटी सेल को, तो कब से ये सूचना मिल रही थी इस यहाँ पर कि यहाँ पर काला धन है या फिर इतनी बड़ी तादाद में नोट मिलेंगे? देखिए, एग्जैक्टली तो नहीं कहा जा सकता कि सूचना कब से मिल रही थी, लेकिन इसके पीछे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत ही रिसर्च करी और बहुत ही होमवर्क किया था, जिसके बाद ये इस रेट को अंजाम दिया गया है और ये इनकम टैक्स की बहुत ही सफल रेट मानी जा रही है। हालांकि बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, कई जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो मिली हैं और कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिन पर बड़ी ज़मीन के खरीद फरोख्त की खुलासा हुआ है और बहुत बड़ी तादाद में ज्वेलरी खरीदने के भी कागजात इनकम टैक्स के अधिकारियों को यहाँ से मिले हैं। जी अंकुर, यहाँ पे आगरा के अलावा कौन कौन से, मतलब कहाँ कहाँ के अधिकारी शामिल हैं? देखिए, इस पूरी टीम में 80 लोगों की टीम है, उसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, मथुरा की टीम के लोग शामिल हैं और जो फोर्स है वो भी फोर्स अपने साथ लेकर आए थे, लेकिन हालांकि आगरा का भी फोर्स इसमें पुलिस फोर्स को अब सम्मिलित किया गया है। जी अंकुर, कुछ पिछले कुछ दिनों की बात करें तो जिसके यहाँ ये रेट पड़ी है उनको अवार्ड भी मिला है इनकम टैक्स के लिए और इतने अच्छे उनके टर्म्स रहे हैं, तो अब ये किस तरीके का, कुछ ऐसा समझ नहीं आया? देखिए, ये बिल्कुल सच बात है कि जिन अधिकारी जिन के यहाँ से ये इतनी बड़ी तादाद में इतनी काली कमाई बरामद हुई है, उन्हें कई बार अवार्ड मिला है इनकम टैक्स देने का। बहुत अच्छा इनकम टैक्स वो पे करते थे और वो टैक्स देने का जो है वो उनको कई बार अवार्ड भी मिला है, लेकिन अब ये सबको चौंका दिया है इस काली कमाई ने जी। कि इतनी बड़ी काली कमाई उनके घर से बरामद हुई है, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मामला है। तो आज विशेष में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, और कल फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी खास मुद्दे के साथ। We'll be right back.